तो तेन मानना हा के भाई मारे दिन सुतरे आ गए बुआनी खेड़े के बाईस तारीख अगर माहौल की बात करो तो अलग ही देखा जास का है पुआने खेड़ा अलग के अंदर चार धर्मशाला है डूंगी धर्मशाला है यानी पेड़ भाई शहर के बिचू बिचले रखी है यानी आने में टाइम लगा नमस्ते के माहौल पड़ेगा भाई मैं कैप्टन ईश्वर सिंह बवानी खेड़ा से हूँ और प्रदीप नरवाल को बवानी खेड़ा ने अपना बेटा समझ रखा है और 100% इसको एक तरफा माहौल बवानी खेड़ा में बना हुआ है और प्रदीप नरवाल को 80% वोट है बवानी खेड़ा प्रॉपर से। ये लोगों के विचार है बिल्कुल बढ़िया। क्या माहौल बन रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था बन रही है और चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखो चुनाव हमारा जो है ना कुछ 2-3 दिन से अच्छा उठ रहा है और धीरे धीरे जो बढ़ोतरी हो रही है चुनाव की उससे हमें निश्चित है कि हमारी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से सत्यवीर अलग बयान दे रहा, अच्छा जिस प्रकार सोशल मीडिया पे चर्चा चली हुई है रामकृष्ण फौजी की, वो उपल मंत्र तो गिल्ली आ गया और अंदर रूप से वो बगावत कर रहा है तो ये जीत किस तरह? वो बगावत नहीं करेगा और 1-2 दिन में उड़ा साहब फिरा रहे हैं, उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि मंच पर आपको नजर आएंगे। अच्छा हाँ जी, और बोलो समीकरण यू है कि सारा की नाराजगी दूर हो जाएगी 2-3 दिन के बाद, बिल्कुल हो जाएगी। जी नमस्कार। नमस्कार। तो क्या माहौल बन रहा है, किस प्रकार चुनाव देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है जी और बुआनी खेड़ा से बिल्कुल जीत की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम है और यहाँ से जिता के भेजेंगे भाई साहब को। जिता भेजेंगे। हाँ जी चलो जी बढ़िया जी, बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है। एक तरफा 36 बरादरी भाई के साथ खड़ी है, कटिया माच रहा है, माड़ा लावड़ा एक जिंदाबाद। चलो जी ये व्यवस्था का माहौल है, अब दो बात आगे जाके करने काम करेंगे। नेता मिल गए भाई साहब नमस्कार। हेलो हेलो जी साहब सुनाइए सर, क्या चुनाव का माहौल बनता बताया था, आप बताना काम तुम कर जाओ। अच्छा चुनाव का माहौल क्या बन रहा है? चुनाव चल रहा है हाँ। और प्रदेश के अंदर एंटी इनकमेंसी है, बीजेपी वाला सरिया है नाड़ में। अच्छा अगर यहाँ वाले सरिया काट रहे हैं। अच्छा वो काट देंगे, सीटें काट देने के लिए जो कांग्रेस के नेता है जो कार्यकर्ता है वो भी आज कहीं मीठे मीठे नाराज है, सोशल मीडिया में नाराज हो चाहे फार्म बना के है तो इस ये छोटे गलेश पे होते हैं सही कर लेंगे ठीक से, सारे ठीक हो जाते हैं। भाजपा कट हो गया, कांग्रेस के नेता हुआ कट हो गए, कांग्रेस के नेता तो संघर्ष कर रहे हैं उनका कहते सीरिया होता है। नहीं तो नेता अपने जो सोशल मीडिया में एक तो बयान कुछ वोट दे हैं ऊपर तक कि वो वोट्स पर तक बात में 3 करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई कहीं से बयान दे देगा, उसके लिए हर पार्टी और नेतृत्व जिम्मेदार हो जाए, हर चीज के लिए तो संभव नहीं है। 3 करोड़ 3 लाख 3 करोड़ जनता है हरियाणा की, प्रदेश की बात हाँ, उसमें से कोई भी खड़े होकर बयान दे दे मैं दे दूं तो वो गलत हो जाता है फिर से। लेकिन भाषा में तो कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस के नेता सही है सुलझे हुए हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं और जो राहुल गांधी है उनके बढ़िया बयान है सारे के, और क्या चाहिए बताओ। नहीं बात तो आपके जायज है, बता आपकी बात है बिल्कुल सहमत हूँ, प्रदेश स्तर पर सहमत हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर सहमत हूँ, तो त्रातल से वो विषय खत्म हो चुका है, वो टिकट तक की लड़ाई तक होता है। अच्छा बाद में कोई क्या कहता है वो अपना नुकसान कर, सोशल मीडिया पे चर्चा चली हुई कि रामकृष्ण फौजी ने समर्थन कर दिया लेकिन अंदर रूप से वो कहीं ना कहीं मना भी करने का काम कर रहा है कि नू ना कर दियो रे, तो नू हो जा, नू कर दोगे तो नू हो जा, उसका है ये चर्चा चली हुई है। ये प्रदेश हल्के की जनता तैयार है, उनको विकास चाहिए, उनको मैं चौधरी जगन्नाथ का लड़का हूँ जिसने 50 साल इस हल्के में ईमानदारी की राजनीति करी, इस हल्के के अंदर 50 से ज्यादा वाटरवर्क्स बनाए, सब डिविजन बनाए, कॉलेजेस बनाए, कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर 2 सड़कें नहीं जोड़ी हो, प्लस 2 स्कूल बनाए हर 6 किलोमीटर पे, हर पूरे हरियाणा के अंदर नाम रहा उनके नाम से, क्या भाई यहाँ पे कौन निकला था तो कह सकते हैं, हमें उम्मीद है प्रदीप से यही तो कह सकते हैं। भीड़ आ रही, ये भीड़ बोर्ड के अंदर तब्दील होगी 5 तारीख को, ये बोर्ड बोर्ड बना के ही आए हैं सारे यहाँ पे। अच्छा हमारे हरियाणा का कल्चर है जो जलसा मनु कुंजा मन होना चाहिए, मैं भी हरियाणा हुआ था, मैं कि तू कुलता रहा हूँ
तो बात अभी नहीं है उनको दाब दस ये भी अपने खेड़ी तारे तारे पानी खेड़ता है सारे सब। चलो जी जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी पता ना काम करे समझाना काम करे ये जनता दल जाती बुलाओ चुनावी जो पानी खेड़ा है वो एक अहम रोल निभा रहा कि एक नाला लग गया था कि मनवादी खिलाफ बोले है एक नाला लग गया था कि बाढ़ का कैंडिडेट है एक नाला लग गया था कि हमने टेड़ को मिली तो हम वोट कौन देवा इन नारे ज्यादा भीड़ दौड़ना बड़े को नहीं है चुनावी माहौल है ये तो चलता रहता है ये भारी नहीं है भारी है सब पे अच्छा, सब पे भारी है सर ये कहना चाहूंगा। अच्छा एक ही तरफा जीतेगा भाई बहुत एक काफी वोटों से जीतेगा पढ़ा लिखा लड़का है सेवा करेगा और जो है ना मेहनती लड़का मेहनती लड़का है जी। अब नेता ईमानदार मिला है बोलकर नहीं मिला है हां जी नेता ईमानदार मिला है ईमानदार मिला है ये मिला है बाबू कटेगा। अच्छा ये तो पहला तो मतलब व्यक्ति मिला है हां जी ये तो सौभाग्य है पुवाणी खेड़े का जो है ना ये लड़का मिला यहाँ जो चमका देगा इसको पुवाणी खेड़े को ये लड़का जो चमका देगा। आओ आप विशेष तो प्रदीप को मैं काफी दिन से जानता हूँ ठीक है लड़का एक नंबर अच्छा एक नंबर का लड़का बढ़िया लड़का इसको नुकसान की जरूरत ना तो मैंने खिला बताया ना यहाँ पे आने वाले व्यक्ति ने खिला बताया तो खिला बताओ कौन है कौन मतलब कैसे आप करो ना एक नंबर का व्यक्ति है एक नंबर का प्रोग्राम गणेश का फैक्ट्री के अंदर अच्छा बुला करके मैं आ जाऊं प्रदीप करूंगा प्रोग्राम उसके बाद में सब ले करी चार साल पहले क्या हुआ था वो मुलाकात चार साल पहले मिलो रही वैसे मिले भाईचारे तौर कह सकते हैं या बुआन खड़ा सही मायने में नेता ही मिला है हां बिल्कुल मिला है बिल्कुल यही नेता है आई मिला पढ़ा जी का शिक्षित पढ़ते सारे शिक्षित एक नंबर का पढ़ते किसी थे अनपढ़ थे शिक्षित है एक नंबर का शिक्षित है बिल्कुल एक चीज के लिए ईमानदार से काम ये लोग है वो काम पड़ा था वो बता दो काम मतलब जैसे अब आप और हम मिले ऐसे मिलो रे शाम पहले कई दिन पहले चीज हमारे पीछे भी लड़का सुतरा ठीक सेवा करने वाला काम किया था जो ना मेरा काम ठीक है साहब वैसे हम आपकी बताओ आप ऐसा है आज का माहौल जो है बहुत अच्छा माहौल है और जो हमारी हमारी कॉलेज की डिमांड है बॉयज कॉलेज छात्रावास और भवानी खेड़ा को उपमंडल और नहरी पानी वो सारी समस्याएं जो है एक व्यक्ति जो हमारा सपना साकार कर सकता है वो प्रदीप नारवाल है जो कि हमने धरने प्रदर्शन किए और लड़ाइयाँ लड़ी उसमें एक मास्टर साहब भी है वो जो राजनीति में है एमएलए की साहब भी जो ये मंत्री बनेगा और डिप्टी सीएम तक बन सकता है इससे इससे आस है और विश्वास है जो सपना है उपमंडल का जो सरकार ने बीजेपी सरकार ने घोषणा की। साहब आप सियाने व्यक्ति हैं और इसी हल्के से हैं और पुराने राजनीति के हैं तो जो मीठी मीठी खटास थी कांग्रेस नेताओं की खटास थी या उन व्यक्ति की खटास थी तो वो किस तरह दूर होगी किस तरह बात बनेगी। देखो एक काम सुने इसके बारे में एक बात और कहना है कि जाट जाटा जाटा गमाम जाना है तोड़ा तो नावड़ा को नहीं है बाकी की सोता को नहीं है ये लोग भी कहना है। 78वां कैंडिडेट मैं भी था कांग्रेस के लिए मैंने अप्लाई किया था और 78वां कैंडिडेट मैं था हमने वहाँ देखा हमने देखा और हमने ये चीज इसमें अंदर जो इसका विश्वास और इसकी कार्यशैली देखी 78 के 78 कैंडिडेटों में ईश्वर का रूप है कोई ईश्वर का असीम कृपा हुई बाणी खेड़ा में आया है और जो आज तक मुद्दों के लिए लड़ते थे रोडों के ऊपर हमने रोड पे नहीं आना पड़ेगा। जी नमस्ते तो बताया आपके बारे में थोड़ा आप कहाँ से आए हैं किस तरह है बाणी खेड़ा शहर में एक चर्चा और बन रही है कि जो कपूर वाल्मीकि बुआनी खेड़ा शहर से ही है तो यो भी लीड देश का है या किस सिस्टम इस तरह के या भाजपा के मन में लोगों के मन में है नहीं वो कपूर बुआनी खेड़ा से हार रहे हैं। अच्छा चुनाव बिल्कुल बुरी तरह से हार रहे हैं। आपने आज ये माहौल देखा होगा आपने जहाँ भी एक प्रोग्राम और भी होना है आपने हर ये जाति वाइज प्रोग्राम हो रहे हैं जो अपने ठोड़े वाइज तो उनमें बढ़ चढ़ करके पब्लिक हर जाति हिस्सा ले रही है 36 बरादरी साथ दे रही है बाकी अपना ये काबू है राम राम भाई राम राम ठीक ठाक आए जलसा देखने बाबा जलसा किसा लग गया जलसा गजब का
घना काम मिल जलसा है बेटा। जलसा किस्म का लगे, नितन किस्म का लगे? छोरा एक नंबर का है, मारा ही शाखा ते आया नहीं। छोरा पर्ची पर का है? एक एक नंबर का पढ़िया लिखिया और घना भगवान बालक सब। अच्छा, यानी माटी महात्मा ना सुनना पर पड़ा देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हम तो ही दिनों मानना है कि भाई मारे दिन सुतरे आ गए बुआनी खेड़े के। दस साल का तो छोटा था और मारा पंडा छूट गया बेटा। अच्छा। और तुम भी मारी मदद कर दियो और किमी ना लिखियो। हाँ, 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 सही लिख दे। और ये तन बताऊ भाई राम की हूँ ले गाना कसुत्ता काम था ना तुम्हारा पानी ना मारा बिजली। और भाई वह केना था वह लुगाई सिर्फ वठारी थी, वह देख नून की थी, वह देखे वह एमपी बनी थी, वह दुबली सिलेंडर सिर पर रखे समिति रानी वही रवा कड़े गई बारह से का मिले से ई बारह से का। और वह जब नुबली डोब दिए कांग्रेस ने कर दिया ना भाई ना 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 सैनी साहब कहते वो सैनी साहब सारी झूठ बोल रहा है। अच्छा। खट्टर उसका लगदार रही है उसका लगदार। अच्छा। हाँ कोई में भी कोनी मनु को था के को 500 का कर दिया इसकी तो इपके 1500 का यू देवगा यू 1200 का कवा है यू तो 15000 बिका था दुनले बाद सरकार है पुआड़ी हल्का जो के 10 साल जो के आनी माया है ऐसा कोई नहीं आया ना कदे अमेले दिखा खटे देख पानी सुंदर ब्रांच बने आंदा डिगिया मेरी तरह गंद देख दो ये सरकार नेरी चुनले बाद है झूठ बोलनी थी और कुछ नहीं करना झूठ से 10 साल तो काल से कटे है। हाँ काल से कटे है बिल्कुल 10 साल। अच्छा पद्दे भी नरवाला ऐसा लड़का है बिल्कुल बढ़िया छबी का है और ये पुवाणी हल्के के बहुत सुथरे दिन थे यू आ गया। जगन्नाथ वाला छोरा आ गया और आन लग रहे हैं सारे आओगे हाँ। अच्छा मनमोहन भी आन लग रहा है बीजेपी में था या और बताऊ नहीं कुछ सनातन है जमान पर सुबह बोलटाना मनमोहन भी आ जाएगा कल हाँ बीजेपी छोड़ की ले भाई तो अनपढ़ थोड़ा तो ये पास हो रहा है नाना जमा बिल्कुल अनपढ़ हाँ भाई। अच्छा। फिर हमें अनपढ़ नू थे इस सरकार ने इतने शिक्षित कर दिए मार की गुटली चलाएगी। एक बात और चल रही है हल्का में की नू कह दे धीरे सी ये तो भारी कैंडिडेट है नहीं भारी नहीं है यू इस हल्का का बेटा बना लिया इस हल्का ने अपना बेटा बना लिया बुआनी खेड़ा हल्का ने यू भारिया बना दिया। अच्छा बारी नहीं छोड़ दिया विधायक बना हुआ बोनी हल्का बना हुआ। नमस्ते जी आज तू सुना भैया बता क्या कथा किस तरह आए थे आज के प्रोग्राम है और के माहौल चुनाव का बढ़ना रहे। पहली बात तो यह है कि अब की बार विधायक नहीं भेजा सरकार ने यह हमारी आस भेजी है तो पिछले 10 साल तक डूबी पड़ी थी। ठीक है वह आस बन के भाई प्रदीप नरवाल आए। ठीक है और बीजेपी सरकार ने तो ऐसा हल कर दिया है किसानों से लेके सरपंचों तक युवाओं से लेके और बुजुर्गों तक सबका कोई ऐसा नहीं छोटा जिसका लाठी नहीं मारी हो। अच्छा। दो दो साल थी तो किसान बॉर्डर पर बैठा दिए सरपंच का लठ मारे एक एक भी एक भर्ती ऐसी बता दो जिस पर केस नहीं होया हो बीजेपी सरकार को सीधा चैलेंज एक भर्ती ऐसी बता दो जिसके ऊपर केस नहीं होया हो और वो भर्ती करी हो सरकार ने। ठीक है युवा कहाँ जाएंगे हर साल बच्चे प्लस टू पास करके निकलते हैं हर साल सरकार कोई ना कोई अपना जुमला लेके आती है सीईटी होगा पीईटी होगा फिर उसके बाद में नया नॉर्मलाइजेशन होगा ये दुनिया ये जो पब्लिक है फद्दू है के अब दिखाएंगे बीजेपी सरकार को कि ये जो ये रोजगार का मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा था उसको कहाँ तक लेके जाएगी ये पब्लिक। यार ये जो युवा था देश का बिना मांगे वोट दिया करता वो तो ताली भी बजाता थाली भी बजाता सारे काम ये तो कराया करता वो ताली और थाली वह ना समझी बजवाती अब आपको पता लगेगा 8 तारीख को तो कि तो वो ताली और थाली कहाँ बज रही है। अच्छा हाँ जी चलो क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है देश के अंदर आप कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है कोई भी माँ बाप चाहे वो बीजेपी का ही हो चाहे कांग्रेस का हो कोई भी हो क्यों पढ़ाता है कि उसका बालक रोजगार नौकरी करेगा पढ़ लिख के नौकरी करेगा वह भी प्राइवेट बना दी आर्मी प्राइवेट बना दी देश को बेचा जा रहा है
तो अब देश का युवा जागरूक हो गया, बिल्कुल जाग गया है। और आप बीजेपी का टाइम आ लिया है, कहता अपने जोड़े झंडे उठा लो बीजेपी वाले, नहीं तो ठुआ देंगे, दस साल में तो काला संकट है। हाँ, बिल्कुल प्रदीप नरवाल। हाँ, तो दस साल में पुआने खड़ा तो काल से करने का काम हुआ, बाकी मैंने जो बस पुराने काम करूँगा। लेकिन ये थी आज दिल्ली थी, मैं लेट हो गया तो दिखाने को पाया, लेकिन ये थी कि आज दिल्ली भी देखने लायक थी और इनका काफिला भी देखने लायक था। पुआने खड़ा हल्के के अंदर से, पुआने खड़ा शहर के अंदर से, चैन से अजनक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।